नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले कि आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम इस बार हो रहे हैं ग्यारह मई से चौथा मई के बीच तो यहाँ पर ग्यारह मई को कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है बारह मई को कौन सा एग्ज़ाम यहाँ पर होने वाला है दोस्तों काफ़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जिनका सेम डे को जो है एग्ज़ाम होगा तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे पहले इस डेट शीट को ज़रूर से देख लीजिएगा इस शेड्यूल को ज़रूर से देख लीजिएगा दोस्तों तो चलिए पूरी वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसमें जो आपका पेपर है वो 11 मई से स्टार्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पर दो सेशन होंगे दो सेशन में आपके पेपर होंगे पहला मैंने आपको बताया कि साढ़े नौ साढ़े नौ बजे से लेके जो है साढ़े बारह बजे तक चलेगा ये आपकी फर्स्ट शिफ्ट होगी ओके जिसके अंदर आपका यहाँ पर पेपर होगा तो 11 मई को जो पेपर यहाँ पर होने वाले हैं सबसे पहले दोस्तों एम फी एल एंड पी एच डी का जो आप, आपका पेपर होगा वो रहेगा आपका ग्यारह साढ़े नौ बजे से साढ़े बारह बजे तक ठीक है उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो इसमें सब्जेक्ट है अलग अलग सब्जेक्ट है जैसे बेस्ट एशियन स्टडी उसके बाद है एम फी एल पी एच डी में हिंदी है उसके बाद तमिल है ये एम फी एल पी एच डी के है दोस्तों ठीक है एंड uh, फिर पी का अलग से जो लोग एम और पी साथ में करना चाहते हैं उनके लिए है एंड पी का अलग से आपका एग्ज़ाम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर फिर से अलग से दिया गया है और ये फिर एम का एग्ज़ाम है यहाँ पर एम में फिर यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल साइंस का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ग्यारह मई को ही है तो अगर आपने यहाँ पर जैसे कि तीन सब्जेक्ट फिल किया है ठीक है सपोज आपने यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस कर दिया एक उसके बाद आपने एक हिस्ट्री कर दिया है और एक आपने जियोग्राफी कर दिया है तो आपके लिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो है पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर 11 मई को है लेकिन 11 मई को यहाँ पर आपको जो है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर इसे जो है आसानी से दे पाएंगे समझ रहे हो ना यानी कि आपको सब्जेक्ट नहीं फिल करने हैं जिनका एग्ज़ाम एक ही दिन है ओके अगर शिफ्ट का फ़र्क हो तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो उसके बाद देखिए 12 मई को आप यहाँ पर एग्ज़ाम देख पाएंगे 12 मई को सॉरी 11 मई को ही है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दो शिफ्ट में चल रहा है ये भी 11 मई का ही है ओके तो 11 मई को यहाँ पर दो शिफ्ट चलेगी जैसे कि एक तो साढ़े से साढ़े बजे और दूसरी है जो ढाई बजे से लेकर साढ़े बजे तक समझ रहे हो तो ये सेकेंड शिफ्ट है सेकेंड शिफ्ट में आप देख सकते हो जैसे कि आपके यहाँ पर एम फी सभी के है और एम टेक e, का भी आपको यहाँ पर पेपर मिलेगा देख लीजिएगा कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होता है एम टेक का ये भी आपका सेकंड पारी में यहाँ पर रखा गया है और एम ए हिंदी का जो अपने पेपर है दोस्तों वो एम ए हिंदी और इंग्लिश दोस्तों हर बार ऐसा ही होता है और इस बार भी ऐसा ही है तो जो लोग यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट भरते हैं या फिर उर्दू सब्जेक्ट भी यहाँ पर भरते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये तीनों के पेपर एक ही शिफ्ट में रखे गए हैं हिंदी इंग्लिश और उर्दू इसके साथ ही इकोनॉमिक्स एम ए इकोनॉमिक्स का जो आ, पेपर है दोस्तों वो भी आपको इसी तारीख को रखा गया है ग्यारह मई को सेकेंड शिफ्ट में तो आप ये सब्जेक्ट सेम ना फिल करें क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो जो एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन होगा और एक ही टाइम पर होगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों बारह मई को जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं वो यहाँ पर किस किस के हैं पहले ये जो है फर्स्ट शिफ्ट है यानी कि फर्स्ट सेशन में आपके जो है साढ़े नौ बजे से साढ़े बारह बजे तक जो एग्ज़ाम होंगे आ, उनकी डेट सीट है वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों इसका लिंक आपको मिल जाएगा आप और डिटेल से इन्हें देख सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन सी डेट को रखा गया है ये दोस्तों एम फी एल पी एच डी के है आप लोग देख लेना कुछ आ, जो फॉरन लैंग्वेज के कोर्सेज है उनसे रिलेटेड है ये देख लीजिएगा उसके बाद एम ए फिलोसॉफी का जो एग्ज़ाम है दोस्तों यहाँ पर यह आपका बारह मई को रखा गया और फर्स्ट शिफ्ट में है यहाँ पर और जो लोग पी एच डी लाइफ साइंस से कर रहे हैं या सॉरी यहाँ पर फिजिक्स से फ़िज़िकल साइंस से कर रहे हैं सॉरी तो उनका भी यहाँ पर बारह मई को रखा गया है और वो भी फर्स्ट शिफ्ट में ओके उसके बाद यहाँ पर 12 मई को जो सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी यानी कि सेकंड सेशन जो स्टार्ट होगा आपका साढ़े दो तो बजे से सॉरी ढाई बजे से लेके साढ़े पाँच बजे तक दोस्तों तो इसमें एम और पी के कुछ कोर्सेज़ है उसके अलावा आपका एम में अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर हिस्ट्री का जो आपका पेपर होगा दोस्तों वो यहाँ पर जो है आपका बारह मई को सेकेंड शिफ्ट में रखा गया है अगर आपने हिस्ट्री से यहाँ पर भरा है फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो ये देखिए एम वालों के लिए लाइफ साइंस का जो पेपर है वो भी 12 मई को ही है यहाँ पर सेकंड शिफ्ट में ये देखिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उसके बाद दोस्तों तेरह मई को जो एग्ज़ाम है फर्स्ट शिफ्ट है शिफ्ट में यहाँ पर आप देख सकते हो साढ़े नौ बजे से ले कर साढ़े बारह बजे तक ओके तो इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आप इसका स्क्रीन शूट भी ले सकते हो इसमें डिटेल से आपको बताया गया है दोस्तों ओके एंड यहाँ पर बात करें दोस्तों इम्पोर्टेंट कि आपका जो बी ए होनर्स का इस बार एग्ज़ाम हो रहा है जो कॉमन एग्ज़ाम हो रहा है जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका हो रहा है वो आपका यहाँ पर तेरह मई को रखा गया है आप लोग देख सकते हो फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका जो एग्ज़ाम है तेरह मई को ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ठीक है कॉमन एग्ज़ाम होगा और इसके लिए आप थोड़ी अच्छे से तैयारी करिएगा इस बार क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा अलग होगा इस बार यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है सभी का पेपर जो है कॉमन होने वाला है तो थोड़े बदलाव भी होंगे जो पेपर आएगा वो भी यहाँ पर सोलह नंबर का होगा क्वेश्चन भी शो आएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो तेरह मई को सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम होने वाले हैं उनका आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एम का है साउथ एशियन स्टडी है इसके अलावा यहाँ पर इनर एशियन स्टडी है एजुकेशनल स्टडी है यहाँ पर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी है इंग्लिश है लाइफ साइंस है ये लाइफ साइंस जो सो पी का है आप यहाँ पर देख सकते हो पी का जो लाइफ साइंस का एग्जाम होगा वो तेरह मई को सेकेंड शिफ्ट में होगा ओके एंड इसके अलावा यहाँ पर नैनो साइंस ये भी पी के लिए है एम एम एस पर जो फिज़िक्स है दोस्तों उसका भी एग्ज़ाम यहाँ पर तेरह मई को रखा गया है एम ए का जो एग्ज़ाम है वो भी तेरह मई को रखा गया है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग लोगों ने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो हिस्ट्री का पेपर है जियोग्राफी का एंड इसके अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का तो तीनों का पेपर अलग अलग है जो लोग यहाँ पर आर्ट्स बैकग्राउंड से है तो वो लोग यहाँ पर इजली इन तीनों का पेपर जो है अलग अलग डेट को दे पाएंगे दोस्तों ठीक है फिर देखिए तेरह मई को यहाँ पर एडवांस डिप्लोमा जो कि उर्दू इन मास मीडिया में आपको मिलता है उसका भी एग्ज़ाम तेरह मई को ही है सेकेंड शिफ्ट में ओके उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट डे की यहाँ पर तो यहाँ पर जो चौदह मई को एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले लेना यहाँ पर ओके तो यहाँ पर एम की बात करें तो यहाँ पर जो एम संस्कृत का जो पेपर है दोस्तों आपका आपका यहाँ पर सबसे लास्ट में रखा गया है चौदह मई को यहाँ पर ये यह पेपर आपका रखा गया है एम मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो भी दोस्तों यहाँ पर चौदह मई को ही रखा गया है एंड अब दोस्तों फाइनली यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर जो लास्ट शिफ्ट आपकी होगी चौदह मई को जो ढाई बजे से लेकर साढ़े पाँच बजे तक चलने वाली है क्योंकि जो पेपर होगा आपका तीन घंटे का होगा यहाँ पर इसमें देखिए एम का जो पेपर है दोस्तों नैनो साइंस का वो भी यहाँ पर आपका इसी तारीख को चौदह मई को रखा गया है एम के अंदर कुछ फ़ोरे लैंग्वेज के कोर्सेज़ है जिनका यहाँ पर आपका चौदह मई को सेकंड शिफ्ट में है इसके अलावा एम जो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है दोस्तों वो भी आपका चौदह मई को ही रखा गया है आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बाकी ये फ़ॉरन लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज़ हैं जिन्हें आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पूरा रहने वाला है ग्यारह मई से लेके जो आपके यहाँ पर चौदह मई तक जो है एग्ज़ाम ये आपके यहाँ पर चलेंगे दोस्तों ठीक है तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर देखी और इस पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह गया है मैंने नहीं बताया इस वीडियो में तो आप उसे जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके आसानी से इसे देख सकते हो तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा